दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, एके टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम, सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और सिर्फ महानगर ही नहीं पूरे शहर का हाल, पूरे जिले का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। स्वच्छ भारत मिशन के तहत रवाना की गई 60 वार्डों के लिए 60 गाड़ियां, हर वार्ड से इकट्ठा करेंगी कूड़ा। गोरखपुर महोत्सव के तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों ने की बैठक, जिलाधिकारी ने कहा पूरी तरह से तैयार है प्रशासन। खिचड़ी मेले को महफूज करने के लिए किया गया एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल, गोरखनाथ मंदिर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं कमांडो, परिंदा भी नहीं मार सकता है पर। खिचड़ी मेले की तैयारियों का अंतिम दौर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई आला अधिकारियों के साथ गोरखनाथ मंदिर में बैठक। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों का चल रहा है अंतिम दौर, 11 से महोत्सव का होगा आगाज, सिटी वन विशेष। जल्द ही होगा गरीबों के लिए अक्षय पात्र योजना के तहत 10 रुपए में भोजन मुहैया, 2,00,000 लोगों का रोज बनेगा खाना। गुरु गोविंद साहब का मनाया गया 392वां प्रकाशोत्सव, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने निकाला मोटरसाइकिल जुलूस, कहा नहीं चाहिए अंशदायी पेंशन, जल्दी से सरकार ले उनकी सुध। दूसरे दिन भी कर्मचारियों की रही हड़ताल जारी, किया प्रदर्शन, मुख्य रूप से कर रहे हैं पुरानी पेंशन की बहाली की मांग। स्टेशन रोड पर छात्रों के साथ रेस्टोरेंट मैनेजर के साथ हुई मारपीट के मामले में छात्रों ने कुलपति से की मुलाकात, वाइस चांसलर ने कहा है वो छात्रों के साथ। मां शाकंभरी भक्त मंडल की ओर से आयोजित किया गया मंगल पाठ और एस्परा ने मचाई आभूषण के क्षेत्र में नई क्रांति, अब मिरर तकनीक से भी पसंद करें ज्वेलरी, प्रदेश में सबसे पहले गोरखपुर में मिलेगी ये सुविधा। स्वच्छ भारत मिशन 2019 के तहत गोरखपुर को चमकाने के लिए और स्वच्छता के पायदान पर अव्वल नंबर दिलाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की पूरी तरह से टीम जुट चुकी है। इसी के तहत महानगर के 60 वार्डों के लिए साफ सफाई और उसे चमकाने के लिए 60 गाड़ियों का बाकायदा नारियल फोड़कर और पूजन करके उसकी रवानगी की गई। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, अपर आयुक्त बी के सिन्हा मुख्य रूप से मौजूद रहे। विधिवत पूजा अर्चन करने के बाद इन 60 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग वार्डों की साफ सफाई के लिए रवाना किया गया। वाहन का ध्यान करिए, सुकुल जी स्वच्छ बनाए। हरि ओम महा खड़गांग चक्र गदे सुचापे परिघाम चूलम भूषण श्रीराम शंका सांसदं तं ध्रुवयां वयं ध्रुवा महादेवानां दुष्टतमं देवहूतनं धूपमाग्रयाप्यामि प्रदीपं दर्शयामि श्रीमद्भक्ताभ्यो नमः। इन गाड़ियों की रवानगी के बाद नगर आयुक्त और महापौर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि ये सारी कवायद गोरखपुर को स्वच्छ शहर बनाने के लिए की जा रही है।
नगर निगम गोरखपुर माध्यम से 60 गाड़ी हम लोग, खासतौर पर आधुनिक गाड़ी है जो कूड़ा कलेक्शन के लिए हम लोग रवाना किए हैं। इस हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ 70 वार्ड है, हर वार्ड में दो दो गाड़ी उपलब्ध मिलेगा। उसके अलावा जो पर्याप्त संख्या में ठेला भी उपलब्ध करा रहे हैं, पर्याप्त संख्या में जो कूड़ादान है वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग रात्रि सफाई भी चालू कर दिए, हम लोग 24 घंटे के सफाई का एक अभियान चालू करवा रहे हैं। हम लोग का मनसा यही है, गोरखपुर एक साफ सुथरी सिटी के रूप से 2019 में आपके सामने नजर आएगा, उसके एक पहल है। आज 60 गाड़ी का हम लोग रवाना करा रहे हैं जनसेवा के लिए। गोरखपुर ने सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, रैंकिंग अच्छा लाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 60 छोटी गाड़ियों कूड़ा उठाने वाली, 2 फोकलेक्ट मशीन और 1 कूड़ा क्रैश मशीन यहाँ पर मंगाई है कि हम शहरवासियों को कूड़े से मुक्त कराने में इस व्यवस्था से सफलता प्राप्त करेंगे। हम चाहते हैं कि कहीं पर भी कूड़ा दिखाई नहीं पड़े। हम प्रत्येक वार्ड 70 वार्डों में 2-2 छोटी गाड़ियां देने जा रहे हैं जनता को, जहां पर कि सफाई के बाद कूड़ा को तुरंत उठा लिया जाएगा, कहीं भी शहर में कूड़ा नहीं दिखाई पड़े। साथ साथ ये भी व्यवस्था हम कुछ वार्डों में शुरू किए हैं कि हमारी गाड़ी जाएंगी, इसमें हरे और नीले रंग के डब्बे रहेंगे, एक में सूखा कचरा दूसरे में गीला कचरा हम लोग डालेंगे, और उसको अधिकांश वार्डों में हम लोग सेंटर बनाने जा रहे हैं, जहां कि इस छोटी गाड़ियों की मदद से हम लोग वहां गीले और सूखे कचरे को पहुंचाएंगे और गीले कचरे को वहीं जैविक खाद के रूप में परिवर्तन करने का काम में ये गाड़ियां हम लोगों को बहुत बड़ी सहायता करेगी। गोरखपुर के गौरव माने जाने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक का आयोजन विश्वविद्यालय के प्रांगण में किया गया, जिसमें CDO अनुज सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, ADM प्रभुनाथ के साथ अन्य आला अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। महोत्सव को सफल बनाने के लिए उपस्थित अधिकारियों ने अपने मातहतों को निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से ड्यूटी जिसकी जहां पर भी लगाई गई है उसका निर्वहन वो करें और उस पर तत्पर रहें। आपसे अग्रीव करना आवश्यक समझ रहा था कि 11 और 13 ये दोनों दिन काफी महत्वपूर्ण है। दोनों दिन में भी जो है निष्पादन होना है ड्यूटी का, रात्रि में भी निष्पादन होना है, क्योंकि दोनों दिन VVIP का आगमन दिन में है। बताना चाहूँगा, एक तो कि जिसकी ड्यूटी मंच के आसपास में लगे रहते हैं, जिन SDM साहब, तो उसने लास्ट टाइम में एक बस ये हुआ था कि एक व्यक्ति जिसके पास एक थोड़ा सा चाकू और थोड़ा सा कुछ अफीम या कुछ निकला था, वो व्यक्ति मंच पे चढ़ गया था और वो मंच पे लगभग 1.5 घंटे तक मौजूद रहा। तो बाद में उसको मंच से जब देखा गया कि ये व्यक्ति उसमें फिट नहीं कर रहा था, उसको निकाला गया था और उसकी तलाशी ली गई थी। तो ये घटना होने की संभावना रहती है, तो जिसकी भी ड्यूटी मंच के आसपास में लगी रहती है, आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, इस तरीके के लोग काफ़ी आ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कार्यक्रम के दौरान पिछली बार में वहाँ पर भी ड्यूटी लगी रहेगी आपने से किसी अधिकारी की, तो उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि क्योंकि वो एक वीक पॉइंट भी होगा। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इस आयोजन के संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा कि इस बार इस महोत्सव को पहले से भी शानदार और बेहतर बनाने के लिए प्रशासन पूरी ताकत झोंक देगा। देखिए, इस बार तो बैठने उठने की व्यवस्था हम लोग बृहद रूप से करा रहे हैं, ज़्यादा कुर्सी लगा हुआ है, साथ साथ यहाँ पार्किंग का भी आधुनिक व्यवस्था, मतलब पिछले बार से 2-3 गुना पार्किंग का व्यवस्था किया है, और उम्मीद है इस बार स्टॉल भी बहुत सारे स्टॉल बाहर से भी आ रही है अच्छा खासा, और कलाकार भी हम लोग ऐसे सेलेक्ट किए हैं, बहुत अच्छा कलाकार है। इस बार उम्मीद है 2019 का महोत्सव बहुत बृहद रूप से अच्छा महोत्सव के रूप से रहेगा। गैदरिंग बहुत पिछली बार बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस बार क्या गैदरिंग लेके जो है जी, इसलिए तो उन लोग का व्यवस्था हम लोग 2 गुना करा दिए। पिछले बार तो केवल 1200 कुर्सी है, इस बार तो बिल्कुल हम 2-3 गुना कराया जा रहे हैं, ताकि किसी का ये समस्या नहीं मिलेगा, किसी कुर्सी नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा। खिचड़ी मेला पूर्वांचल में किसी कुंभ से कम नहीं, और इस पावन पर्व पर किसी भी आतंकवादी गतिविधि से निपटने के लिए पुलिस के साथ साथ एंटी टेररिस्ट बल भी पूरी तरह से तैनात है।
इसी के मद्देनजर गोरखनाथ मंदिर में एक एंटी टेररिस्ट मॉन्क ड्रिल का अभ्यास किया गया। यह अभ्यास सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें हर आतंकवादी गतिविधियों को नस्ते नाबूद करने का रिहर्सल किया गया। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, यूनिट के अंदर हमारी सप्लीमेंट्री फोर्स जनपद से आ गई, रेस्क्यू टीम भी मौके पे आ गई, एम्बुलेंस भी पहुंच गई और कुल मिला के 35 मिनट का ये ऑपरेशन चला, जिसमें हम लोगों ने दोनों डमी आतंकवादियों को यात्री निवास से गिरफ्तार किया। इसके पश्चात डिब्रीफिंग भी हुई और उसी डिब्रीफिंग में विभिन्न एजेंसियों को उच्चाधिकारियों द्वारा और मतलब कि विभिन्न बिंदुओं पर निर्देश दिए गए। आगे हम बहुत ही एक स्पेसिफिक SOP और इस मंदिर को, गोरखनाथ मंदिर प्रांगण को, हम जो 5 कोर में डिवाइड करेंगे और अलग अलग SOP बना के इसकी सुरक्षा में हम प्रत्येक महीने इस प्रकार का आकस्मिक ये ड्रिल करते रहेंगे। ये कितने बजे हुआ है, कहाँ पर हुआ है? सुबह ये तकरीबन ठीक है 7:28 पर शुरू किया गया था और 8:05 के करीब ये ड्रिल मतलब समाप्त हुए, उसके बाद डिब्रीफिंग की गई। आगामी मकर संक्रांति को देखते हुए गोरखनाथ मंदिर में एक विशाल जनसैलाब को नियंत्रित करने और खिचड़ी मेला को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने के लिए एक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में सुरक्षा के लिहाज से सभी पहलुओं पर चर्चा की गई, साथ ही साफ सफाई का भी इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को जिलाधिकारी ने निर्देश भी दिया। इसके बारे में मीडिया कर्मियों से और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कहा कि प्रशासन खिचड़ी मेले को लेकर काफी गंभीर है और इसके लिए तैयारियां अंतिम दौर पर चल रही हैं। तारीख को खिचड़ी मेला है, आप जानते हैं यहाँ वो बड़ा पर्व के रूप से माना जाता है। उसको सुबह मीटिंग लिया था हमने, जो कितने कितने विभाग का जो जिम्मेदारी दिया है उसी हिसाब से कितने लोग किए हैं कितने लोग नहीं किए हैं उसी का है। लगभग सारे विभाग अपने जिम्मेदारी के हिसाब से पूरा काम कर चुके हैं। एक दो कमियां है उसका हमने नोट करवाया, सुरक्षा के दृष्टि पे जो करना है उसी का वो भी एक दो दिन में हम सही करा देंगे। गोरखपुर महोत्सव जो कि आगामी 11 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, अब उसकी तैयारी गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में अंतिम दौर पर चल रही है। सिटी वन ने इस तैयारियों का जायजा लिया और पाया कि गोरखपुर महोत्सव को शानदार तरीके से मनाने के लिए सारी कवायद अब पूरी हो चुकी है। गोरखपुर का गोरखपुर महोत्सव किसी गौरव से कम नहीं। गोरखपुर का गौरव माने जाने वाले इस गोरखपुर महोत्सव जो कि 11 जनवरी से शुरू होगा और राज्यपाल यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, अपने आप में गोरखपुर के स्वर्णिम इतिहास में एक और अध्याय जुट जाएगा, क्योंकि गोरखपुर का गोरखपुर महोत्सव जो है वो पूर्वांचल के किसी अर्धकुंभ से कम नहीं। तैयारियां अब यहां पर अंतिम दौर पर चल रही हैं। आइए जरा हम अपने सहयोगी क्रिएटिव हेड अभिषेक श्रीवास्तव के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि तैयारियां क्या क्या हो रही हैं। ये हमारे दाहिने तरफ आप देखेंगे
विशालकाय मंच तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक यानी अंतिम दिन तक, 3 दिनों तक इस गोरखपुर महोत्सव का आगाज यहीं से होगा। यहाँ पर विभिन्न स्कूल से अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राएं और विद्यार्थी आएंगे और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुति करेंगे। कई गोरखपुर के गौरव जो साबित कर चुके हैं अपने आप को, उनको यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा। ये कुर्सियाँ आप देख सकते हैं, कुर्सियाँ अभी खाली हैं, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर कुर्सियों के अलावा खड़े तक रहने की भी जगह नहीं बचेगी। जब भोजपुरी की गायिका यहाँ पर आएंगी, मशहूर गायिका बिहार की शारदा सिन्हा और बॉलीवुड के मोहित चौहान, यहाँ पे एक हुजूम सा लग जाता है। इस समय लगता है कि गोरखपुर महोत्सव अपने पूरे चरमोत्कर्ष पे होता है जब यहाँ पे भोजपुरी नाइट्स या बॉलीवुड नाइट्स का आयोजन किया जाता है। प्रशासन पूरी तरह से कई दिनों से इसकी तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि सीएम सिटी को इस भव्यता के साथ इस गोरखपुर महोत्सव को मनाना है, जिससे आने वाले दिन में ये गोरखपुर महोत्सव इतिहास बन जाए। हम अपने क्रिएटिव हेड अभिषेक श्रीवास्तव कहेंगे, जरा ये दाहिने तरफ दिखाएं, यहाँ पे छोटे छोटे पांडाल लगाए गए हैं, यहाँ पे अलग अलग कंपनियों के कैनोपीज लगेंगे, यहाँ पे टेराकोटा और शिल्प से संबंधित सारी चीज़ें आएंगी जो गोरखपुर की पहचान देते हैं। वास्तव में वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई जाएंगी कि बाहर से आने वाले लोग, पूरे प्रदेश से, हम आपको अपने दर्शकों को बताते चलें कि पूरे प्रदेश से यहाँ पर गोरखपुर महोत्सव में लोग शिरकत करेंगे, चाहे वो शिल्प कला हो, हस्तकला हो, हैंडलूम्स हो, ये सारे इन सभी चीज़ों के स्टॉल यहाँ पर लगेंगे। हमारे यहाँ पे सीधे हमारे दर्शक देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा पांडाल, भव्य पांडाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो अब अपने अंतिम दौर में तैयारियों के चल रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए कि गोरखपुर महोत्सव को भव्य से भव्य बनाने के लिए गोरखपुर का ज़िला प्रशासन पूरी तरह से जुट चुका है, लग चुका है। चूँकि ये सीएम सिटी है, इस वजह से माना जाता है कि गोरखपुर महोत्सव को अत्यंत शानदार तरीके से, पिछले बार के अपेक्षा इस बार भी और अच्छे तरीके से इसको मनाना है। हमारी जिलाधिकारी से और मंडलायुक्त यहाँ पे हैं, उनसे भी बात हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि पिछले बार से भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर बैठने की व्यवस्थाएँ कराई गई थी, और पिछले बार जो भी व्यवस्थाएँ मुकम्मल नहीं हो पाई थी वो इस साल पूरी होंगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के इस प्रांगण से अपने सहयोगी क्रिएटिव हेड अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे। गोरखपुर में गरीबों के लिए वरदान और अन्नपूर्णा साबित होने वाली अक्षय पात्र योजना का जल्द ही आगाज होने वाला है। इस अक्षय पात्र योजना के तहत मजदूर वर्ग, बीमार लोग और उनके तीमारदार और गरीबों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध होगा। इसके लिए जिलाधिकारी ने इस विषय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि आगामी दिनों में प्रतिदिन 2 लाख लोगों का भोजन तैयार करने की योजना है इस अक्षय पात्र योजना के तहत। जा रहे हैं लोग टीम यहाँ, तो अक्षय पात्र का पहले तो पता है आपको, शासन में निर्देश मिल गया हम लोग का। यहाँ तकरीबन 2 लाख लोग का पर डे, खासतौर पे जो मिड डे मील में कितने छात्र हैं वो शामिल होंगे, श्रद्धालु लोग शामिल होंगे, जो मरीज़ है हॉस्पिटल में, जो एम्स है, जो भी हॉस्पिटल में वो मरीज़ का और मरीज़ का अटेंडर है उन लोग भी शामिल होंगे, फिर लेबर है जो मजदूर का काम करते हैं उन्हीं लोगों को भी शामिल करते हुए एक बृहद योजना हम लोग बनाए। उसके लिए जो कुष्ठाश्रम का ज़मीन है वो भी 30 साल लीज में हम लोग दिए हैं, उसको इसी महीने के अंदर हम लोग अग्रीमेंट करा करके उसको शिलान्यास करने वाले हैं। अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त, सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोल घर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009, 9935509081। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद मी ब्रोस। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। हे गाइस, इट्स ए कैश, यू आर वॉचिंग गोरखपुर सिटी वन नंबर वन चैनल। हाय, मेरा नाम है तुषार जोशी। सिटी वन चैनल के रीलॉन्च पे ऑल द ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका दोबारा स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। गुरु गोविंद सिंह का 392वां प्रकाशोत्सव गोरखपुर के सिख समुदाय के लोगों ने इसे बड़ी ही भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर उत्साहपूर्वक मनाया। इस दौरान एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें भारी तादाद में गुरु के अनुयायियों ने शिरकत की। ये शोभा यात्रा मोहद्दीपुर गुरुद्वारे से निकलकर महानगर के विभिन्न स्थानों तक होते हुए वापस अपने गंतव्य पर पहुंची। इस दौरान आकर्षक कलाबाजी भी सिख समुदाय के लोगों ने प्रस्तुत की। इस शोभा यात्रा के बारे में सिटी वन से बात करते हुए एक श्रद्धालु ने कहा कि ये परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है। गुरु साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को अपनी सच्चा श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए उनके 352वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर से सभी नगर वासियों के अपार सहयोग से ये विशाल शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ये गुरुद्वारा मोहद्दीपुर से आरम्भ होकर गुरुद्वारा पैंडलेगंज छातसंग चौराहा कचहरी बस स्टैंड प्रेस क्लब शास्त्री चौक टाउन हॉल
गोलघर सिनेमा रोड सुमेर सागर होते हुए सायंकाल 7 बजे गुरुद्वारा गुरसिंह सभा जटाशंकर में इसका समापन होगा। अपनी पुरानी पेंशन की मांग की बहाली को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने पूरे महानगर में मोटरसाइकिल जुलूस के रूप में अपने मांग के लिए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत अंशदायी पेंशन उनके लिए हितकारी नहीं है, जबकि 2005 से ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, जिसकी लड़ाई वो अभी तक लड़ रहे हैं। इस संबंध में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारी ने कहा कि पुरानी पेंशन में ही सभी कर्मचारियों का हित है। 2005 के बाद उनमें पेंशन की व्यवस्था नहीं दी गई है, इसको लेकर सकारात्मक वार्ता चल रही थी, लेकिन मजबूर होकर आज मुझे सड़क पर उतरना पड़ रहा है कि आज विगत 25 वर्षों से पेंशन व्यवस्था नहीं जारी की जा रही है। जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। केंद्रीय श्रम संगठन, औद्योगिक प्रतिष्ठान और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर आम हड़ताल 8 जनवरी से 9 जनवरी तक की गई है, जो कि देशव्यापी सहित गोरखपुर में भी रही। इसी के तहत मोहद्दीपुर के बिजली कार्यालय के कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन कर हड़ताल का आह्वान किया, जो कि 2 दिनों से जारी है। अलग अलग मांगों में से मुख्य रूप से इन कर्मचारियों की पेंशन बहाली की मांग है, जिस पर सरकार अभी तक इनकी कोई सुध नहीं ले रही है। इस बारे में हमारे संवाददाता से बात करते हुए एक कर्मचारी ने अपनी परेशानियों को बयां करते हुए कहा, विसंगतियां वार्ता करके दूर की जाएं। इसके बाद हमारी है कि जो तेलंगाना सरकार की तरह निविदा में जो भी थे उनको परमानेंट किया गया था, उनको इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार में भी निविदा कर्मचारियों को जो भी रिक्त पदे हैं उन पे उनको संगठन किया जाए। मांगे अगर आगे पूरी नहीं की गई तो आप लोग क्या करेंगे? हम अभी आगे अगर मांगे हमारी पूरी नहीं की जाएंगी तो हम आगे इसी तरह और भी लड़ाई करेंगे। गत दिनों स्टेशन पर छात्रों के साथ रेस्टोरेंट के मैनेजर के बवाल ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां एक ओर इस मामले में पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी ओर छात्र संघर्ष समिति के छात्रों ने इस बाबत कुलपति से मुलाकात करके इसके बारे में उनसे उनका पक्ष जानना चाहा। छात्रों का कहना था कि व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोगों का एक तरफा कार्रवाई करके इन 3 बच्चों को हवालात में बंद करवाया गया है, जबकि बिल को लेकर ऐसी कोई भी विवाद स्टेशन के रेस्टोरेंट में नहीं हुआ था। छात्रों का ये प्रतिनिधि मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह से मिला और इसके बारे में उन्हें हस्तक्षेप करने को कहा। खाने को लेकर मार हुई, आपने कहीं लिख के दिया खाने को लेकर नहीं मार हुई, वो लोग रोड पे खड़े थे मार हुए। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा कि वो पूरी तरह से छात्रों के साथ हैं और इसके लिए जिला प्रशासन से वो बात भी करेंगे। सर, अपने स्टूडेंट के साथ हूं और विरोध करता हूं इस तरह से व्यापारी मंडल का कि अगर बच्चों पे अगर कहीं खाना खाने गए भी और भुगतान उनका हुआ नहीं हुआ, इसके लिए इतनी तोड़फोड़ मारपीट करने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं थी उनकी। और हमारे विद्यार्थियों का भी हरासमेंट किया गया है, मैं अभी जिला प्रशासन से बात करूंगा कि जो मुकदमे हमारे विद्यार्थियों के खिलाफ दायर किए गए हैं वो जल्द से जल्द वापस हो और विश्वविद्यालय में पठन पाठन का माहौल बरकरार रखे और विश्वविद्यालय के हमारे जो छात्र हैं अनुशासित हैं, क्योंकि हम खुद अपने संपर्क में रहते हैं सभी छात्रों से और हमारे छात्रावास में जो हमारे वार्डन हैं प्रॉक्टर हैं वो लोग भी रात दिन लगे रहते हैं इनके उसमें
ये दुर्घटना उस दिन हो गई। बाय द वे मैं उस दिन BHU में था, बनारस में था, तो उस वजह से हमारे प्रतिकुलपति महोदय ने इस पर भी इसको गंभीरता से लिया इस प्रकरण को, और जिला प्रशासन से बात की। कल हमने पुलिस वालों को भी बुलाया था, पुलिस वालों से भी कहा कि हमारे छात्र क्रिमिनल नहीं हैं, उनको क्रिमिनल की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते। उधर छात्रों का नेतृत्व कर रहे शिवशंकर गौड़ ने भी सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए कहा कि यह भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं कि रेस्टोरेंट के मैनेजर के साथ पैसों को लेकर कोई विवाद हुआ था। छात्रों के पक्ष में आवाज़ उठाई और छात्रों के पक्ष में खड़े होने का उन्होंने बात कहा है। उन्होंने तत्काल हम लोग को आश्वासन दिया इस प्रतिनिधिमंडल को कि वो जिला प्रशासन से तत्काल बात करेंगे कि निर्दोष छात्रों पे, और जो तीन छात्र बंद हैं जिसमें से विश्वजीत सिंह, नीरज यादव, आनंद पटेल करके, कि उन्हें जेल न भेजा जाए, और बल्कि जो अन्य लोग आरोपी हैं, जो रेस्टोरेंट मालिक हैं, जो गुंडे पाल रखे हैं, जो मावाली पाल रखे हैं, उन पर कार्रवाई हो। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हम लोग का साथ देने का काम किया है। जी जी, ₹1,000 और ₹100 वाला बिल की क्या? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ महोदय, 6:30 बजे से लगाए 6:45 बजे कोई भी छात्रावास का विद्यार्थी खाना खाने नहीं जाता। मैं भी छात्रावास में आता जाता रहता हूँ, मेरा घर गोरखपुर में है लेकिन मैं छात्रावास में आता जाता रहता हूँ, जिसमें से विश्वजीत सिंह का पेपर था LLB का, वो पेपर दे के आया, लेकिन रेस्टोरेंट मालिक के माध्यम से एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी वहाँ से गुजर रहे थे, उनसे कुछ तूतू मैं हूँ, उन्होंने विद्यार्थियों को मारने का काम किया, तब ये तीनों छात्र उनको बचाने गए थे, न कि मारपीट करने गए थे। और वो खाने का कोई मैटर ही नहीं है, ये कोई मित्र पदार्थ पी के झगड़ा करने नहीं गए थे, बल्कि शहर के लोगों को गलत फहमी हो रही है, शहर के लोगों को गलत बातें बताई जा रही हैं। शाकंभरी भक्त मंडल के तत्वावधान में मंगलवार को जहाँ एक ओर काली मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, वहीं दूसरी ओर बुधवार को भव्य मंगल पाठ का आयोजन भी किया गया। यह मंगल पाठ सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें शाकंभरी भक्त मंडल के लोगों ने भारी संख्या में शिरकत की। आभूषणों की खरीद अब और आसान हो गई है और आकर्षक भी, इसलिए क्योंकि एस्परा अब लेकर आया है उत्तर प्रदेश में पहली बार मिरर तकनीक से एक से बढ़कर एक डिजाइन वाले आभूषण। आपकी तस्वीर पर ऐसे दिखेंगे जैसे आपने इसे खुद पहना हो। महिला, युवती या कोई अन्य शोरूम में अगर नहीं आ पाता तो ऐसे में व्हाट्सएप पर फोटो से आभूषण पसंद किए जाएंगे। बाबूजी आप भी हाथ रख लीजिए ऊपर, आप तो थोड़ा बैठिए भैया, स्क्रीन एक ही दिखेगी, जिसको पसंद करना है स्क्रीन उसको दिखेगी, इसके बारे में एस्परा के अतुल सराफ ने बताया कि प्रदेश में ये पहली बार इस तकनीक का गोरखपुर में प्रयोग किया गया है और इसे लॉन्च किया गया है, जिसे जल्द ही देवरिया और बस्ती के शोरूम को भी जोड़ दिया जाएगा। इसको डेवलप करने वाले हैं style.me, जिन्होंने इसको बढ़ाया है, बनाया है, और इस टेक्नोलॉजी का उन्होंने नाम दिया है मिरर। जैसा कि शीशे के जैसे, आईने के जैसे, इसको आप जैसे देख सकते हैं कि सामने बैठे हुए आदमी को ऐसा प्रतीत होगा कि वो आईने में अपनी तस्वीर देख रहा है, और अपने कौन सा आभूषण उसको ऊपर कैसा लग रहा है ये अपने मन चाहे आभूषण को फोटो के माध्यम से सेलेक्ट करके देख सकता है कि उसके ऊपर कौन सा आभूषण ज़्यादा खिलेगा। तो ये तकनीक है, और ये हम लोगों ने, जैसा कि हर बार की तरह एस्परा हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता है कस्टमर्स की सुविधा के लिए,
तो ये उसी प्रयास की एक कड़ी ये भी है कि कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो कि कौन सा सामान उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सी ज्वेलरी उसके ऊपर अच्छी लग रही है। उसकी बहू अगर दूर बैठी हुई है, उसकी फ़ोटो वो मंगवा के इसके ऊपर सेव करके उसके ऊपर ज्वेलरी को प्लेस करके देख सकता है कि उसकी बहू के ऊपर या बेटी के ऊपर कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसका बहुत लाभ है। तो दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही, अगले अंक का कीजिए इंतज़ार और देखते रहिए सिटी वन। साईं प्रणाम।